हेलो बेटा, होप आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो लेक्चर में वो है नामन क्लेचर। जैसा कि बेटा आप सब लोग जानते हो कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को पहचानते हैं उनके नामों की बदौलत। जैसा अगर मैं क्लास में किसी बच्चे को पुकारता हूँ, शबीर बेटा यहाँ देखो, जावेद बेटा यहाँ देखो, जब मैं उनके नाम बोलता हूँ तभी उनको पता लगता है कि सर हमें पुकार रहा है। बेटा यही हमारा आज का टॉपिक है कि हम इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को नाम कैसे देंगे और इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के नाम देने को हम क्या कहेंगे। क्योंकि आपने अभी देख लिया, मैंने जावेद या शबीर को तभी आप लोगों ने उनकी तरफ देखा जब मैंने उनका नाम लिया, क्योंकि नाम की बदौलत से ही हम लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को बेटा डिफरेंशिएट करते हैं। और यही है हमारा आज का टॉपिक नामन क्लेचर। बेटा नामन क्लेचर होता क्या है? नामन क्लेचर का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को स्पेसिफिक नाम देना जिनकी बदौलत हम उन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर पाएंगे। बेटा वही डेफिनेशन लिखी, नामन क्लेचर इज मेकिंग एंड गिविंग प्रॉपर स्पेसिफिक एंड डिस्टिंग्विशिंग नेम टू ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलिए बेटा, अब ये जो नाम होते हैं, अब ये जो नेम्स होते हैं, ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है बेटा लोकल नेम्स, दूसरे होते हैं बेटा साइंटिफिक नेम्स। बेटा पहले अब हम देखेंगे लोकल नेम्स को। बेटा लोकल नेम्स वो नाम होते हैं विच आर गिवन टू ऑर्गेनिज्म इन पर्टिकुलर रीजन एंड लैंग्वेज बाय लोकल पर्सन। जिसका मतलब ये हुआ मेरा बेटा कि ये जो लोकल नेम्स है ये कोई साइंटिस्ट नहीं देते हैं, ये आम लोग देते हैं अपने अपने इलाके में इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को अपनी सहूलियत के लिए, अपने काम के लिए, और उन्हीं नामों को हम कहते हैं लोकल नेम्स। जो लोकल पीपल देते हैं अपने पर्टिकुलर रीजन में, अपनी लोकल भाषा में, अपने मफाद के लिए, उनको हम कहते हैं लोकल नेम्स। बेटा ये लोकल नेम्स वैरी होते हैं रीजन टू रीजन। बेटा ये जो लोकल नेम्स है, ये लोकल नेम्स वैरी होते हैं फ्रॉम रीजन टू रीजन। ये लोकल नेम्स यूनिवर्सल नहीं होते हैं। बेटा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक इलाके में एक लोकल नेम होता है, दूसरे इलाके में दूसरा लोकल नेम होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, ओनियन, इसको इंडिया के डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट नामों से पुकारा जाता है। अपने कश्मीर में हम ओनियन को गंडा कहते हैं, कहीं पे इसको कंडा कहते हैं, कहीं पे इसको वेंगायम कहते हैं। यानी लोकल नेम्स वैरी होते हैं रीजन टू रीजन। बेटा अब इन लोकल नेम्स के एडवांटेजेस की बात करेंगे। बेटा इन लोकल नेम्स के एडवांटेजेस भी है, अब उन एडवांटेजेस की बात करेंगे। बेटा लोकल नेम्स का पहला एडवांटेज है दे आर इजी टू स्पीक। ये हमें बोलने आसान लगते हैं। उसका रीजन वही है क्योंकि ये हमारी लोकल भाषा में होते हैं, इसीलिए इनको बोलना हमें इजी लगता है। बेटा दे आर इजी टू रिमेम्बर, जिसका मतलब ये है लोकल नेम्स हमें याद रखने भी आसान होते हैं। बेटा दे आर इजी टू राइट, लोकल नेम्स हमें लिखने भी आसान लगते हैं, जो कि क्योंकि ये हमारी लोकल भाषा में होते हैं। और एक एडवांटेज बेटा इनका ये भी है, हम लोकल नेम से फैमिलियर होते हैं अपने बचपन से ही। बेटा आगे चलते हैं और इन लोकल नेम्स के डिसएडवांटेजेस देखते हैं। बेटा लोकल नेम्स के
बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है। पहला डिसएडवांटेज है बेटा इनका मल्टीपल नेमिंग इफेक्ट, मल्टीपल नेमिंग इफेक्ट। ये बेटा इन लोकल नेम्स का पहला डिसएडवांटेज है, जिसका मतलब ये हुआ एक एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पांच पांच दस दस लोकल नेम्स होते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल कोट कर दूं, लिली, वाटर लिली, अगर आप देखोगे वाटर लिली, इसके बेटा अगर आप देखोगे इसके इंग्लिश में तकरीबन 15 लोकल नेम्स है, 15 लोकल नेम्स है वाटर लिली के इन इंग्लिश। इसी तरह बेटा अगर आप प्रिकी पॉपी को लोगे, प्रिकी पॉपी, इसके 8 हिंदी लोकल नेम्स है। आप खुदारा मुझे बेटा एक बात बताओ, जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पांच पांच छह छह नाम होंगे, हमें कितने नाम याद रखने पड़ेंगे, जो एक बायोलॉजी ऑफ स्टूडेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट है। मान लीजिए अगर टैक्सोनॉमिकली हमने 1.7 मिलियन स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को डिस्कवर किया है, अब अगर हर एक का पांच पांच ही नाम मान लीजिए, इसको मल्टीप्लाइड बाय 5 कीजिए, वो देखिए कितने नाम बनेंगे और उनको याद रखना कितना डिफिकल्ट बनेगा और कितना कंफ्यूजिंग होगा। बेटा इनका दूसरा एडवांटेज जो है वो ये है, वी हैव गिवन लोकल नेम्स ओनली टू दोज ऑर्गेनिज्म्स, वी हैव गिवन लोकल नेम्स ओनली टू दोज ऑर्गेनिज्म्स विच आर नोन टू अस, विच आर नोन टू अस। इसका मतलब बेटा ये हुआ हमने खाली उन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को लोकल नाम दिए हैं जिन्हें हम जानते हैं। क्या बेटा ऐसा आप लोगों के साथ कभी नहीं हुआ है कि जब आप लोग पिकनिक जाते हो, क्या आप वहां पे किसी ऐसे जानवर को आपने देखा है, फिर अपने दोस्तों से कहते हो इसका नाम क्या है, क्योंकि आप लोग उसका नाम नहीं जानते हो। उसकी वजह यह है क्योंकि वो जानवर हमारे इलाके में नहीं पाया जाता है। और वही डिसएडवांटेज मैंने भी यहाँ पे कही कि हमने लोकल नेम सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनिज्म्स को दे के रखा है जिनको हम जानते हैं। बेटा एक और डिसएडवांटेज नंबर 3, मैं लोकल नेम्स की आपको बता दूं कि लोकल नेम्स की एक और डिसएडवांटेज है, समटाइम्स ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म्स, कभी कभार हम एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म्स को सिंगल, बेटा एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म्स को सिंगल लोकल नेम देते हैं। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स उनके ग्रुप को एक ही लोकल नेम देते हैं। मैं एग्जांपल दूंगा बेटा दूध हाक हम उन सारे प्लांट्स का लोकल नाम देते हैं जिनसे निकलता है हमें मिल्की लेटेक्स निकलता है, उन सारे प्लांट्स का हम कॉमन नेम देते हैं दूध हॉक। बेटा एक और डिसएडवांटेज है, लोकल नेम्स आर फंटास्टिक या कहिए आप लिटिल रेलिवेंस। लोकल नेम्स की रेलिवेंस उन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के साथ बहुत कम है जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का वो लोकल नेम होता है। मैं एग्जांपल दूंगा बेटा, आप लीजिए लीजर्ड को हम लीजर्ड को लोकल नेम बेटा देते हैं ब्लड सकर, यानी हम लीजर्ड को लोकल नेम देते हैं ब्लड सकर,
जबकि लीजर्ड कभी ब्लड शाकाहार ही नहीं रही है, और वही मैंने कहा लोकल नेम और जिस ऑर्गेनिज्म का वो लोकल नेम है उनके दरमियान बहुत कम रेलेवेंस होती है। बेटा आपको बता दूं एक और एग्जांपल, ओकरा, इसका लोकल नेम है लेडीज फिंगर, लेडीज फिंगर। बेटा एक और बता दूं ट्रेडिस्कंशिया, ट्रेडिस्कंशिया इसका लोकल नेम है विडोटियोस। बेटा एक और बता दूं मायोसाटिस सेल्विटिका, इसका लोकल नेम है फॉरगेट मी नॉट। बेटा यहां देखिए ऑर्गेनिज्म्स और उनके लोकल नेम्स के दरमियान रेलेवेंस बहुत कम है। यही मैं कह रहा था बेटा कि लोकल नेम्स की बहुत सारी डिसएडवांटेजेस है। जब साइंटिस्ट्स ने ये देखा बेटा लोकल नेम्स की बहुत सारी डिसएडवांटेजेस है, लोकल नेम्स से बायोलॉजिस्ट्स खुद कंफ्यूज होते थे कि लोकल नेम वैरी होते हैं, इवन के लोकल नेम से सभी लोग कंफ्यूज होते थे, तभी साइंटिस्ट ने कहा हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को नाम देने का, एक ऐसा नाम होना चाहिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो थ्रू आउट द वर्ल्ड वैलिड होगा, जो यूनिवर्सल होगा। और इसी तरीके से वजूद में आए बेटा साइंटिफिक नेम्स, और इसीलिए बेटा वजूद में आए साइंटिफिक नेम्स। बेटा पहली ये बात जान लो कि ये जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं ये कोई आम आदमी नहीं देता है, ये लोकल पर्सन नहीं देते हैं, ये साइंटिस्ट देते हैं। दे आर स्पेसिफिक एंड डिस्टिंग्विशिंग नेम्स, साइंटिफिक नेम्स होते हैं, दे आर स्पेसिफिक एंड डिस्टिंग्विशिंग नेम्स। याद रखना बेटा साइंटिफिक नेम्स होते हैं स्पेसिफिक एंड डिस्टिंग्विशिंग नेम्स असाइनड बाय साइंटिस्ट्स, असाइनड बाय साइंटिस्ट्स। बेटा यानी साइंटिफिक नेम्स को साइंटिस्ट देते हैं इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को डिफरेंशिएट करने के लिए। लेकिन ये बात भी याद रखो दीज साइंटिफिक नेम्स आर यूनिवर्सल, ये रीजन टू रीजन चेंज नहीं होते हैं, ये यूनिवर्सल होते हैं। इसी एक साइंटिफिक सिस्टम को हमारे कैरोलस लीनियस ने इंट्रोड्यूस किया, और उस साइंटिफिक सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल नामनक्लेचर, इज कॉल्ड बाइनोमियल नामनक्लेचर, इज कॉल्ड बाइनोमियल नामनक्लेचर। बेटा दिस वन इज सो मच इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम ऑफ 11th, दिस वन इज सो मच इंपॉर्टेंट फॉर द नीट बोर्ड एग्जाम से यहाँ पे लॉन्ग आंसर के चांसेस है, नीट के लिए यहाँ पे एक दो क्वेश्चन बनने के चांसेस है। पहले याद रखिए बाइनोमियल नामनक्लेचर को इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूस्ड बाय कैरोलस लीनियस इन 1751। कैरोलस लीनियस ने बाइनोमियल नामनक्लेचर को 1751 में इंट्रोड्यूस किया। अब आप कहोगे सर बाइनोमियल नामनक्लेचर क्या है? बेटा बाइनोमियल नामनक्लेचर को हम कह सकते हैं टू नेम नेमिंग, टू नेम नेमिंग, और यू कैन से टू वर्ड नेमिंग, टू नेम नेमिंग, और यू कैन से टू वर्ड नेमिंग। जिसका मतलब ये हुआ अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नामनक्लेचर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नाम बना होना चाहिए दो वर्ड्स का, यानी साइंटिफिक नेम शुड बी मेड अप ऑफ टू वर्ड्स,
साइंटिफिक नेम शुड बी मेड अप ऑफ टू वर्ड्स. साइंटिफिक नाउ यू साइंटिफिक नेम आज ये बना होना चाहिए दो वर्ड्स का, दो वर्ड्स का बना होना चाहिए बेटा साइंटिफिक नेम. फर्स्ट वर्ड इज कॉल्ड जेनरिक नेम एंड सेकंड वर्ड इज कॉल्ड स्पेसिफिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट. बेटा जेनरिक नेम टेल्स अस अबाउट द जीनस एंड स्पेसिफिक नेम टेल्स अस अबाउट द स्पीशी. एक एग्जाम्पल देता हूं, रोजा इंडिका. बेटा रोजा इंडिका इज बॉटनिकल नेम ऑफ इंडियन रोज प्लांट. इसमें रोजा इसका जेनरिक नेम है एंड इंडिका इसका स्पेसिफिक नेम है. बेटा आगे चलिए इंपॉर्टेंट बात करेंगे बाइनोमियल नामनक्लेचर की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस के लिए जो मैं आगे बात करूंगा बाइनोमियल नामनक्लेचर में. बेटा अगर आप बाइनोमियल नामनक्लेचर जिसमें हमने कहा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नाम बना होना चाहिए दो वर्ड्स का, जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट. हां अब याद रखिएगा बेटा प्लांट्स के लिए जो साइंटिफिक नेम्स है अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नामनक्लेचर वो कैरोलस लीनियस ने अपनी एक बुक जिसका नाम है स्पीशीज प्लांट्रम. बेटा ये जो ये बुक है इस बुक को पब्लिश किया गया 1753 में, इसको बेटा पब्लिश किया गया. इस बुक में कैरोलस लीनियस ने दिए हैं वैलिड साइंटिफिक नेम्स ऑफ प्लांट्स अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नामनक्लेचर. साइंटिफिक नेम्स ऑफ प्लांट्स को दिया है कैरोलस लीनियस ने अपनी बुक स्पीशीज प्लांट्रम में जिसको पब्लिश किया गया 1753 में. इस बुक में तकरीबन 5900 स्पीशीज को क्लासिफाई किया गया, 5900 स्पीशीज को क्लासिफाई किया गया बेटा इस बुक में. बेटा बात करेंगे एनिमल्स की तो एनिमल्स के जो वैलिड साइंटिफिक नेम्स है अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नामनक्लेचर उनको कैरोलस लीनियस ने अपनी बुक सिस्टमा नेचर उनको कैरोलस लीनियस ने अपनी बुक उस उनको कैरोलस लीनियस ने अपनी बुक सिस्टमा नेचर में दिया है. बेटा सिस्टमा नेचर के 10th edition में ये सिस्टमा नेचर बेटा पब्लिश की गई 1758. तो बेटा याद रखना 1753 से प्लांट्स में बाइनोमियल नामनक्लेचर का आगाज हुआ एंड 1758 में एनिमल्स में बाइनोमियल नामनक्लेचर का आगाज हुआ. बेटा जब पहले कैरोलस लीनियस इन एनिमल्स को इन प्लांट्स को साइंटिफिक नेम्स देते थे वो रेफरेंस कंसिडर की जाती थी उसके लिए स्पीशीज प्लांट्रम की बुक या सिस्टमा नेचर की बुक. फिर इन 19th सेंचुरी कुछ रिविजन किया गया इन रूल्स में. तो आपको पता है जब भी हमें नाम देना होगा बाइनोमियल नामनक्लेचर के अकॉर्डिंग हमें सर्टन रूल्स
या सर्टन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को नाम देने हैं, क्योंकि जो साइंटिफिक नेम्स है याद रखना बेटा, साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन सर्टन क्राइटेरिया आर बेस्ड ऑन सर्टन क्राइटेरिया एंड प्रिंसिपल्स। बेटा साइंटिफिक नेम्स बनते हैं, साइंटिफिक नेम्स को बनाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन क्राइटेरिया, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन प्रिंसिपल्स। वो क्राइटेरिया एंड प्रिंसिपल्स बनाने के लिए डिफरेंट कमिटीज, डिफरेंट कोड्स को वजूद में लाया गया। मैं आपको बता दूं बेटा, ICBN ये बनाया गया 1961 में, जिसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर है। बेटा अगर आपको लिखना है, यू कैन पेन डाउन, यू नो इट। बेटा स्टर्माइल ने सब कुछ खराब करके रख दिया, आपके नॉर्मल क्लासेस नहीं हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये टर्माइल ओवर होगा। हम फिर से मिलेंगे नॉर्मल क्लासेस में, अल्लाह करे हम सब बखैर आफियत रहे। शॉर्ट बोर्ड होने की वजह ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दे पा रहे हैं, ज्यादा लिख नहीं पा रहे हैं। बेटा ICBN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, दे फॉर्म द रूल्स फॉर द साइंटिफिक नेम्स ऑफ प्लांट्स, दोस नेम्स आर नोन एज बॉटनिकल नेम्स। अगर हमें किसी प्लांट को बॉटनिकल नाम देना है तो अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ ICBN। सिमिलरली ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये बना 1964 में। अनदर वन इज ICBACN इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, समटाइम्स आल्सो रिटन ICNB इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, एंड हियर समटाइम्स रिटन एज ICBACN इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ICVN इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर, ICNCP इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स। बेटा कभी कभार इनको आपके बोर्ड एग्जाम्स में एज अ ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, या इनमें से किसी की भी फुल फॉर्म पूछी जाती है। ज्यादातर 11th में अकॉर्डिंग टू अ टेक्स्ट बुक इधर ICBN इधर ICZN को पूछा जाता है। बेटा इसके आगे हमें देखना है रूल्स ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जिनको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो क्लिप में हम देखेंगे। बेटा वीडियो देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सो दैट आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। ओके बेटा, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।